वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये है जी हमारा बेसिक मैथ का 12th लेक्चर, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज के ऊपर होगा जी। अब मैथमेटिकली कुछ एक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, आपका टॉपिक रहेगा जी, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का क्या मतलब हुआ। देखो आइडेंटिटीज होती है आपके पास, सबसे पहले आइडेंटिटीज होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी लिख रहा हूँ आपको, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये याद रखनी है आपको, इसका मतलब आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ अगर ए की जगह हम एक्स लिख दें, बी की जगह हम वाई लिख दें और इसका पूरे का स्केयर लें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ए की जगह एक्स लिखा तो एक्स का स्केयर हो जाएगा, फिर दूसरे का स्केयर करो वाई स्केयर हो जाएगा, फिर प्लस 2 into पहला कितना एक्स और दूसरा कितना है वाई, तो इस हिसाब से दूसरी ये आइडेंटिटी सेम इसी ये बन सकती है। याद एक रख लो, एक से काफी याद कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो आप इसको, देखो पहले तो ये देखो ये आई कैसे, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का स्केयर, पहले स्केयर का मतलब तो समझो, 2 का स्केयर का मतलब क्या होता है जी, 2 into 2 होता है। 3 का स्केयर का क्या मतलब होता है, 3 into 3 होता है। 4 के स्केयर का क्या मतलब होता है, 4 into 4 होता है, यानी उसी चीज को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। अब a प्लस बी की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ है, a प्लस बी के साथ, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास देखो जी इसके मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये जो डिजिट होते हैं ये आगे से मल्टीप्लाई शुरू होते हैं इनकी, वैसे आप पीछे शुरू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आगे से शुरू करो यहाँ की मल्टीप्लाई, ठीक है। इन ए की मल्टीप्लाई पहले करो ए के साथ, तो क्या आएगा ए स्केयर, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्केयर, ए इंटू बी करोगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ए की तो होगी दोनों के साथ मल्टीप्लाई। अब बी की करो, बी की पहले किसके साथ होगी ए के साथ, तो फिर क्या आ जाएगा बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, ए की बात होती है, 2 × 3 करोगे तब भी 6 आएगा, 3 × 2 करोगे तब भी कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो दोनों ए की बात है, आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, बी के साथ, तो प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर ए बी, ए बी कितने ए बी हो गए जी, 2ab हो गए, और प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। अब आगे पीछे प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कर सकते हो और प्लस क्या लिख सकते हो 2ab, इससे बनी है जी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करने से। ये आइडेंटिटी आपको ये समझ आ गई इतनी बात, ठीक है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये जो था ए प्लस बी का होल स्केयर, समझ आ गई पहली आइडेंटिटी। अब आप ये सोचो इसका ज्यादा फायदा क्या है, इसके बहुत से बेनिफिट है जी, ठीक है, इस आइडेंटिटीज के मैं बताता हूँ आपको, ये आइडेंटिटी समझ आ गई आपको। एक आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जी, 102 का स्केयर निकालो, 102 का क्या निकालो, स्केयर निकालो, तो मैं इस 102 को क्या लिख लेता हूँ जी, 100 + 2 लिख लिया, 100 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 102 ही आएगा कि नहीं आएगा, इसका क्या निकालना है आपको स्केयर। एक तो तरीका 102 × 102 करो, या एक तरीका ये आइडेंटिटी यूज कर लो, 102 को क्या लिख सकते हो 100 + 2। अब फॉर्मूला लगाओ, ए की जगह कौन आ गया, पहले ए लिखा हुआ यहाँ पे कौन आ गया 100, बी की जगह कौन आ गया 2 आ गया, तो फॉर्मूला लगाओ ए की 2 यानी ए की जगह 100, तो 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस बी की 2, बी की जगह कौन आ गया 2 आ गया, 2 की पावर 2 को हो जाएगी प्लस 2 × ये मल्टीप्लाई होता है जी, बीच में कोई निशान ना हो ना तो मल्टीप्लाई समझना, 2 × ए, ए की जगह कौन था 100 था और बी की जगह कौन था 2 था, तीनों मल्टीप्लाई होगी। अब देखो 100 का स्केयर करोगे तो आएगा जी 100, 2 0 थी 2 0 और लग जाएगी स्केयर करने पे, ये बात आपने पहले पढ़ी भी है, बेसिक में बात है। 2 का स्केयर करोगे तो 4 आएगा प्लस, ठीक है, प्लस 2 नहीं करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई है ये सोल्व होगा, 2 × 2 कितना है 4, 4 × 100 करोगे तो क्या हो जाएगा 400। अब बताओ आंसर कितना है आपके पास, 4 0 4 0 1, ये आगे जी इनका स्केयर, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्केयर करने के ऊपर, ठीक है। तो ये आप इससे ये निकाल सकते हो, ये बड़ा बेनिफिट है इसका, ठीक है। और जैसे और भी दिया जा सकता है, 107 का स्केयर निकाल के बताओ, ठीक है, 107 को आप क्या लिख सकते हो 100 + 7। अब आप ये सोच रहे हो 101 + 6 भी तो लिख सकते थे, लिख सकते थे कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ फिर 101 का स्केयर हो जाता वो तो नहीं निकालना आसान ना, 100 का स्केयर निकालना आसान है, इसलिए हम 100 + या 100 - करके फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करोगे तो आइडेंटिटी क्या थी आपके पास, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ,
ए प्लस बी के स्केयर की आइडेंटिटी क्या थी आपके पास है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्केयर करोगे यानी 100 का स्केयर प्लस बी स्केयर यानी 7 का स्केयर प्लस 2 इंटू ए कितना है 100, बी कितना है 7। 100 का स्केयर कितना होता है 100, और 2 जीरो से 2 और लग जाएगी स्केयर करने पे, 7 का स्केयर 49। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई है तो पूरा सोल्व करके बताओ, 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14 00। अब ऐड करो जी 49, ऐड तो करना आता होगा सबको, मैं सीधा कर रहा हूँ जी, ठीक है। 4 9 1 4 और 1 ये आ जाएगा आपका ऐड करने के बाद है आंसर, 107 का स्क्वायर इतना होगा जी, ठीक है। वरना आप 107 गुना 107 करते काफी टाइम लगता, इससे आप फास्ट कर सकते हो। इसी तरह आपको ट्राई करना है जी 109 का स्क्वायर यूजिंग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, ठीक है जी। और आपको करना है 115 का भी स्क्वायर करना, ये दो खुद को ट्राई करने जी आपकी कॉपी में, इनका स्क्वायर निकालो यूजिंग मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का यूज करके, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी, ये एक आइडेंटिटी थी, दूसरी आइडेंटिटी क्या कहती है, यहाँ ए प्लस बी ना होके ए माइनस बी हो जाता और उसका स्क्वायर करना पड़ जाता तो क्या होता फिर आपके पास। कोई दिक्कत नहीं थी जी, ए का स्क्वायर तो करते ही करते हैं, बी का स्क्वायर प्लस करते ही करते हैं, पिछली बार क्या किया था प्लस 2ab, अब की बार कर देंगे माइनस 2ab, ठीक है। अगर ये निशान माइनस का ये तो यही रहेगा, ये यही रहेगा जो पिछली बार था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, ये याद रखिएगा जी, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखना चाहें एक्स वाई की फॉर्म में, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बताओ, ए की जगह एक्स रख दिया, बी की जगह वाई रख दिया, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 x, ठीक है जी। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ जी, अब आपको निकालना है 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर निकालना, तो 97 का स्क्वायर निकालोगे तो 97 मल्टीप्लाई बाय 97 करोगे, ठीक है। लेकिन मैं 97 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 3, ये बात सही होगी जी, 100 में से 3 कटाओगे 97 ही बचेंगे, उसका क्या निकालना आपको, स्क्वायर निकालना है। 100 माइनस 3 का स्क्वायर निकालो चाहे 97 का स्क्वायर निकालो, है तो एक ही बात। अब इस पर आइडेंटिटी यूज करो, ए ये माइनस बी हो गया आपकी बार, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा आपकी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 3 × ए कितना आपके पास है 100 है, बी कितना आपके पास है 3, ठीक है। 100 का स्केयर करोगे आपको पता है 2 जीरो से 2 और आ जाएगी, 3 का स्केयर का मतलब समझेगा क्या होता है, 3 × 3, जिस नंबर का स्केयर करना है उसी नंबर को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 3 निकालनी होती तो क्या होता, 3 3 की 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। 4 की पावर 3 होती है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते, 3 की पावर 2 करोगे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 × 3 कितना होगा 6, 6 × 100 करोगे कितना हो जाएगा 600, ठीक है जी। 600 में से 9 गया, ये कितना बच गया आपके पास 591, इसमें से 591 माइनस कर दो, क्या बचेगा आंसर बोलो, 9 9 माइनस 9 0 बचेगा, और 9 − 5 करोगे 4 बचेगा, या 9 बचा होगा, ठीक है, 9 4 0 9 ये आंसर आ जाएगा आपके पास, 9 1 10 10 4 5 और 10, ठीक है जी। ये हो गया 97 का स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ट्राई करना चाहो तो आप ये लिख सकते हो 96 का स्क्वायर और निकालना, तो 96 को आप क्या लिख सकते हो 100 − 4, 96 ही बचेगा उसका स्क्वायर निकालना। अब आइडेंटिटी यूज करोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, अब यूज करो जी, ए स्केयर यानी 100 का स्केयर प्लस बी स्केयर यानी 4 का स्केयर माइनस 2 × a कितना है 100 है, बी कितना है 4 है, ये ए होता है ये बी होता है, 100 का स्केयर करोगे 2 जीरो थी 2 जीरो और लग जाएगी, 4 का स्केयर होगा जी 16 माइनस 100 2 × 4 कितना होगा 8 × 100 करोगे 800 हो जाएगा, 800 में से 16 घटा, चलो पहले ये कर लो जी, दोनों का प्लस कर लिया पहले, इसमें से क्या माइनस करोगे 800 माइनस कर दो, क्या बचेगा आपके पास 6 1, यहाँ 10 में से हट जाएंगे कितना बचेंगे 2 बचेंगे, और यहाँ बच गया 9, ठीक
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 9216 कर लोगे जी। इसी तरह आपको खुद को 90 का स्क्वायर भी निकालना है और 95 का स्क्वायर भी निकालना है और इसे चेक करना है जी। ठीक है, तो आज हमने दो आइडेंटिटी पढ़ी, दो दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपकी। पहली आइडेंटिटी क्या थी आपके पास है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगली पढ़ी आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसमें, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करके याद करोगे अच्छे से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, समझ आ गया होगा, इतना आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार देखिएगा तो उससे और क्लियर हो जाएंगे आपके कंसेप्ट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना जी और कमेंट करके बताया करो आपको कैसा लगता है, समझ आता है कि नहीं आता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो जो पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लें, कौन सा आंसर के नाम से होगा जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बी बेटर लर्न बेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।